लाहौर कंडर्स टीम की कोटा ग्लेटर्स टीम के खिलाफ शानदार जीत के साथ बदल गया पीएसएल 2023 का पूरा पॉइंट टेबल। इस मैच में लाहौर कंडर्स टीम ने कोटा ग्लेटर्स टीम को 17 रन से हराकर पॉइंट टेबल में पहली स्थान हासिल कर लिया है। तो दोस्तों इस समय क्या मैच की पूरी खबर बताते हैं हम आपको इस वीडियो में। लेकिन दोस्तों इससे पहले आप भी यदि भारतीय टीम के बहुत बड़े फैन हैं तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। पीएसएल यानी पाकिस्तान सुपर लीग का 18वां मुकाबला लाहौर कंडर्स और कोटा ग्लेटर्स के बीच खेला गया। इस मैच में लाहौर कंडर्स टीम ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला किया। लाहौर कंडर्स टीम की तरफ से पारी की शुरुआत करने के लिए आए थे मिर्जा बेग और फखर जमान ने लाहौर कंडर को अच्छी शुरुआत देने में नाकामयाब रहे और फखर जमान मात्र पहले ओवर की चौथी गेंद पर रन आउट होकर पवेलियन लौट चुके थे। इसके बाद तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए अब्दुल्ला शफीक ने भी कुछ खास नहीं किया और मात्र दूसरे ओवर की तीसरी गेंद पर मोहम्मद नवाज द्वारा बोल्ड होकर पवेलियन लौट गए। उसके बाद चौथे नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए विकेट कीपर बल्लेबाज सैम बिलिक्स ने 5 गेंद खेलकर मात्र 2 रन बनाकर नवीन उल हक का शिकार हो गए। इस मैच में लाहौर कंडर्स की टीम के तरफ से सबसे ज्यादा रन सिकंदर राजा ने 34 गेंदों में 71 रन की धमाकेदार पारी खेलकर लाहौर कंडर्स को 148 रन के सम्मानजनक 100 तक पहुंचाए। वहीं कोटा ग्लेटर्स टीम की तरफ से सबसे ज्यादा विकेट नवीन उल हक ने 4 ओवर में 36 रन देकर 2 विकेट लिए। वहीं मोहम्मद नवाज ने 3 ओवर में 19 रन देकर 2 विकेट झटके। कोटा ग्लेटर्स टीम की तरफ से पारी की शुरुआत करने के लिए आए थे यासिर खान और विल समीद ने अच्छी शुरुआत दी, लेकिन यासिर खान ज्यादा देर तक क्रीज पर नहीं टिक सकर मात्र 5वें ओवर की 6ठी गेंद पर हरीश रोफ का शिकार होकर पवेलियन लौट गए। उसके बाद तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए मार्टिन गुलप्टी ने कुछ ऐसे शॉट खेले, लेकिन वो भी ज्यादा देर तक क्रीज पर नहीं टिक सके और मात्र 15 रन बनाकर डेविड विजय का शिकार हो गए। उसके बाद कोटा ग्लेटर्स टीम की लगातार कर्मों में विकेट गिरते चले गए, जिस वजह से कोटा ग्लेटर्स टीम को इस मैच में 17 रनों से हार का सामना करना पड़ जाता है। कोटा ग्लेटर्स टीम की तरफ से सबसे ज्यादा रन विल समीद ने 25 गेंदों में 32 रन की पारी खेली। वहीं कप्तान सरफराज अहमद ने 28 गेंदों में 27 रन की पारी खेली। वहीं लाहौर कंडर्स टीम की तरफ से सबसे ज्यादा विकेट हरीश रऊफ ने 4 ओवर में 22 रन देकर 3 विकेट झटके। वहीं राशिद खान ने 4 ओवर में 14 रन देकर 2 विकेट झटके। तो दोस्तों इस मैच के बाद क्या पॉइंट टेबल की पूरी जानकारी बताते हैं अब आपको इस वीडियो में। पॉइंट टेबल के नंबर 1 की बात करें तो इस जीत के साथ लाहौर कंडर्स टीम पॉइंट टेबल में नंबर 1 पर आ गया है। लाहौर कंडर्स टीम ने अब तक 6 मुकाबले खेले, 5 में जीत मिले वही 1 में हार का सामना करना पड़ा है। टोटल पॉइंट्स की बात करें तो 10 है। वहीं दूसरे नंबर पर मुल्तान सुल्तान की टीम है। मुल्तान सुल्तान की टीम ने अब तक 6 मुकाबले खेले, 6 में से 4 में जीत मिले वहीं 2 में हार का सामना करना पड़ा है। टोटल पॉइंट्स की बात करें तो 8 है। वहीं तीसरे नंबर की बात करें तो इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम है। इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम ने अब तक 5 मुकाबले खेले, 5 में से 3 में जीत मिली वहीं 2 में हार का सामना करना पड़ा है। टोटल पॉइंट्स की बात करें तो 6 है। वहीं चौथे नंबर की बात करें तो पेशावर जालमी की टीम है। पेशावर जालमी की टीम ने अब तक 6 मुकाबले खेले, 6 में से 3 में जीत मिले वहीं 3 में हार का सामना करना पड़ा है। टोटल पॉइंट्स की बात करें तो 6 है। वहीं 5वें नंबर की बात करें तो कराची किंग्स की टीम है। कराची किंग्स की टीम ने अब तक 7 मुकाबले खेले, 7 में से सिर्फ 2 में जीत मिली वहीं 5 में हार का सामना करना पड़ा है। टोटल पॉइंट्स की बात करें तो 4 है। वहीं इस हार के साथ कोटा ग्लेटर्स टीम 6ठे पायदान पर पहुंच गई है। कोटा ग्लेटर्स टीम ने अब तक 6 मुकाबले खेले, 6 में से मात्र 1 में जीत मिली है वहीं 5 में हार का सामना करना पड़ा है। टोटल पॉइंट्स की बात करें तो 2 है। तो दोस्तों इन 6 टीमों में से आपका फेवरेट टीम कौन सा है आप हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।